अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन के टॉपिक को। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की डेफिनेशन को भी समझने जाएंगे और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और स्टैंडर्ड नोटेशन से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है आज की इस वीडियो में हम वो भी सीखने जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज अ शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म एंड रिटन एज एक्स एन, वेयर एक्स इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय एन टाइम्स। भाई एक्सपोनेंशियल नोटेशन को अगर मैं सिंपली अगर बात करूं तो इज अ शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो एक शॉर्ट हैंड मेथड है एक मैथमेटिकल फॉर्म की, क्योंकि कुछ नंबर जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज हो जाते हैं। जैसे अगर मास ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना है, 6 के आगे 24 जीरो अगर मैं लगाऊं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kg। भाई जमीन का जो मास है वो कितना है, 6 के आगे अगर 24 जीरो लगा दो तो हमारी जमीन का मास है ये। तो ये अगर इसको कैलकुलेशन अगर करने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किलात होती है। तो इसके लिए हमारे पास इन चीज़ों को आसान करने के लिए क्या है, हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अगर इसी को मैं अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखूंगा तो 6 लिखा और एक्सपोनेंट करते हुए मैंने आगे क्या लिख दिया, 24 kg। क्या हो गया, 24 kg, चीजों को क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो यहां हमने कहा एक्सपोनेंशियल नोटेशन दर हकीकत क्या है, इज अ शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म। ये शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म है भाई, 6 के आगे 24 जीरो लगाने से बेहतर है मैं एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखूं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज अ शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म एंड रिटन एज एक्स एन। इसको किस शक्ल में लिखते हैं, एक्स की शक्ल में लिखते हैं और एन जो है वो इसके ऊपर पावर की शक्ल में। हमने कहा वेयर एक्स इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय एन टाइम, जबकि एक्स जो है ना, ये एक्स है वो क्या है कि उसको आपस में, एक्स के ऊपर अगर पावर है ना, इसका मतलब क्या, वेयर एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, एक्स को जो है वो आपस में ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कितने मरतबा, एन टाइम्स। जितनी इसके ऊपर पावर होगी उतने टाइम जो है वो एक्स को क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ 2 है और 2 के ऊपर पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है 2, 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
एक्स को उतनी ही मर्तबा आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा जितनी उसके ऊपर क्या होगी, पावर होगी। अब आइए इसके हम मैथमेटिकली हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर दर हकीकत क्या होते हैं, दो जो है वो नंबर है उसका प्रोडक्ट होता है। इसमें एक एन है मल्टीप्लाई बाय 10 और ऊपर आ गया एक्स। एन जो है वो क्या कहलाता है, कोफिशियंट। 10 जो है वो क्या कहलाता है, बेस। और x जो छोटा सा बना वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। तो ये कोफिशियंट है और ये हमारे पास जो है वो 10 जो है वो बेस है और x जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट। अब यहाँ ये n कोफिशियंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा वेयर n कोफिशियंट क्या है, मे बी द नंबर बिटवीन 1 to 9.99। n की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर, n की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी, याद रखिएगा। ये रूल को समझने के लिए याद रखिएगा, आगे जब हम इसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये रूल याद रखिएगा कि n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 से छोटी भी नहीं होगी, 1 से शुरू होगी और 10 से ज़्यादा भी नहीं होगी, 9.99 पर जाकर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना, अगर आपने n की वैल्यू 1 से छोटी रखी है, अगर आपने n की वैल्यू जो है वो 9.99 यानी 10 या 10 से ज्यादा रखिए तो भी क्या होगा, आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो n हमेशा 1 से लेकर 9.99 तक इसका नंबर होगा। वेयर x, x की अगर हम बात करते हैं, x एक्सपोनेंट इज एन इंटीजर रेस टू बेस 10। बेस के ऊपर इसके ऊपर क्या होगी, पावर होगी और ये इंटीजर कंप्लीट नंबर होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इंटीजर नंबर होगा। एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो एक्स है ना, जिसे हमने एक्सपोनेंट कहा, ये एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो सकता है, ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और ये एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, तो हमने कहा इफ
द नंबर टू बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज ग्रेटर देन वन. इफ द नंबर टू बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज ग्रेटर देन वन, अगर वो वन से बड़ा है द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव. भाई आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन जिसका लिखने जा रहे हो वो नंबर जो है वो वन से क्या है, ग्रेटर है, तो उसका एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा, वन से ग्रेटर होगा. और इसमें हमने कहा पॉजिटिव होगा हमेशा. अगर नंबर ओवरऑल नंबर अगर वन से हमेशा बड़ा होगा तो इसका एक्सपोनेंट हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव होगा. और अगर हमने कहा इफ इट इज लेस देन वन, अगर वो x जो है वो लेस देन वन है द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव. एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव में होगा. आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन. स्टैंडर्ड नोटेशन क्या, भाई जो स्टैंडर्ड नंबर है उसको तरीके से लिखो. एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है, शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म है. तो आपको पेपर में कहा जा सकता है कि भाई स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करें. तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास है 4600000. इसको आपने चेंज करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में. तो आपके पास तरीका क्या होगा, सबसे लास्ट में पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कि जो पहला नंबर है वो 1 से लेकर 9.9 के दरमियान आ जाए. तो यहाँ हमने कहा 1, देखा अब कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ, नंबर अगर 1 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या होते हैं, लेफ्ट साइड पे जाते हैं. 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 4.6. क्या हो गया 4.6, कितनी मतलब हमें शिफ्ट हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार. तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 4.6 एक्सपोनेंट पॉजिटिव 6, क्योंकि नंबर क्या है, 1 से बड़ा है. और नंबर अगर जब भी 1 से बड़ा होता है आपका एक्सपोनेंट क्या होता है, प्लस में. तो ये क्या हो गया 4.6 एक्सपोनेंट 6. और अब यहाँ नंबर जो है वो 1 से छोटा है, 0.00038. अब जब भी नंबर 1 से छोटा होता है हम डेसिमल को कहाँ लेके आते हैं, राइट साइड पे लेके जाते हैं. नंबर बड़ा था तो हम उसको लेफ्ट साइड पे जा रहे थे. अब राइट साइड पे जितनी बार भी हम जाएंगे उतनी बार जो है वो माइनस का इजाफा होगा, -1 -2 -3 -4, यहाँ तक कि ये 1 से लेकर 9.9 के दरमियान आ जाए. तो मैंने यहाँ राइट साइड पे गया तो -1 -2 -3 -4, तो इसका मतलब क्या होगा, 3.8 एक्सपोनेंट -4 क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया. अब इसी का रिवर्स करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू स्टैंडर्ड नोटेशन. एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तब यहाँ लिखे 7.53 एक्सपोनेंट 4. अब एक्सपोनेंट जब भी, गौर से सुनिएगा, प्लस में है आपने डेसिमल को क्या करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, एक बार, दो बार. अब यहाँ नंबर खत्म हो गए और ये हमारे पास एक्सपोनेंट क्या था, 4 था. तो अब की बार आपने क्या करना है, जितने जितने डिजिट आपको मूव करना है उतने जीरो आप इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. तो 7.53 एक्सपोनेंट 4 है ना, तो एक बार, दो बार, दो खत्म हो गए इसमें से. अब दो बार अभी भी बाकी है, इसके ऊपर पावर 2 अभी भी बाकी है, तो मैं 2 जीरो इसमें ऐड कर लूंगा. तो क्या हो गया, 7.53 00. तो यहाँ हमारे पास 7.53 एक्सपोनेंट 4 था, तो पॉइंट को एक, दो, दो बार शिफ्ट किया, बकिया जो भी पावर रह जाएगी उतने जीरो लग जाएंगे और हमारा आंसर होगा. अब ये हमारे पास क्या है, 4.487 एक्सपोनेंट -5. इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो कहाँ जाएंगे, माइनस में है ना भाई, पॉजिटिव में होता तो हम इसको राइट साइड लेके जाते, उलट करना है भाई उसका, क्या करना है, इसका उल्टा करना था भाई. यहाँ जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन से एक्सपोनेंशियल में लाने के लिए नंबर 1 से बड़ा था तो हम राइट लेफ्ट पे जाते थे, लेकिन अब जो नंबर बड़ा है पॉजिटिव वाला है तो हम राइट पे जाएंगे. इसी के साथ ये माइनस में है तो अब क्या करेंगे, हम पहले जो है वो लेफ्ट पे राइट पे जाते थे, अब हम लेफ्ट पे जाएंगे. तो अब यहाँ हमारे पास पॉइंट यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ आ गया, दो बार हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, -3 हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो जितने भी रह जाएगा हम उसमें क्या करेंगे, उतने जीरो का क्या कर लेंगे, इजाफा कर लेंगे. तो 48.7 है एक्सपोनेंट माइनस, तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, तो -3 रह गया था, 0.00 करके हमारे पास क्या हो गया, 0.00. अब कन्फर्म करना हो, मैं चेक कर लूँ, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 48 था ना, तो ये हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही नंबर है. तो ये हमारे पास था एक्सपोनेंशियल नोटेशन के हवाले से आज का ये लेक्चर. इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन का टॉपिक जो है वो समझे जाएंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन के मुताबिक जो है वो किसी भी दो नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, इसी तरीके से जो है हम उसमें डिवीजन के बाद जो पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है, रूट्स जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के मुताबिक कैसे निकाले जाते हैं, वो तमाम मेथड्स को हम अगले आने वाले लेक्चर में सीखने जाएंगे. तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा. उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए जो है वो काफी फायदेमंद होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.